फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीप वीनस थ्रोम्बोसिस के केसेस में कैथेटर से जो हम इंजेक्शन वाले थेरेपी देते हैं उसका क्या मतलब है। डीप वीनस थ्रोम्बोसिस का मतलब यह है कि पाँव की नली में क्लॉट जम जाता है, जिसकी वजह से पाँव की वेन में से ब्लड फ्लो बिल्कुल बंद हो जाता है और पाँव में बहुत सूजन और पेन आना चालू हो जाता है। तो ऐसे केसेस में हम पेशेंट को एडमिट करके खून पतला करने वाले स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन देते हैं, जिसका टैबलेट्स पर से थोड़ा बेटर इफेक्ट होता है। लेकिन कई बार हम जो नसों से इंजेक्शन देते हैं वो क्लॉट तक पहुंच नहीं पाता और क्लॉट इतने लेयर्स में होता है कि वहाँ के हर लेयर तक पेनिट्रेशन नहीं हो पाता। तो वैसे केसेस में हम दूसरे पाँव की नस से एक कैथेटर डालते हैं और वो कैथेटर जो क्लॉट है उसके अंदर एंटर करते हैं। वहाँ पे कुछ एरियाज़ को हम बलून डायलेट करते रहते हैं ताकि थोड़ा जगह बन जाए और उसके बाद कंटिन्यूस 2 से 3 दिन तक वो इंजेक्शन को हम देते रहते हैं ताकि क्लॉट डिजॉल्विंग थोड़ा बेटर हो जाए, रिजल्ट्स इसके थोड़े ज़्यादा अच्छे आते हैं। ये थोड़ा सा कॉस्टली और कंबरसम प्रोसेस है, इसलिए हर केस में नहीं यूज़ किया जाता। जहाँ क्लॉट बर्डन बहुत ज़्यादा है और रेगुलर थेरेपी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, वहां पे कैथेटर डायरेक्टेड लाइसिस करते हैं और इसमें सक्सेस रेशियो रेगुलर से थोड़ा बेटर आता है।